अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप लोग उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग एक छोटा सा टेस्ट करेंगे। केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल है सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, यानी हमारे पास कुछ सब्सटेंस होंगे, उनमें से हमने बताना है कि इनमें से कौन से सैचुरेटेड हैं और कौन से अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं। जो सैचुरेटेड होंगे जो अनसैचुरेटेड होंगे, इसके लिए मैट्रिक केमिस्ट्री में एग्जामिनर एक लिमिट तक बच्चों को बाउंड रखता है और वो मेथड कहता है कि ये वाला अप्लाई करो। वो जो मेथड कौन सा है उसमें वो कहते हैं कि KMnO4 का सोल्यूशन आप लोग लें और उसके साथ आप लोग टेस्ट करें कि जो आपको सब्सटेंस दिए गए हैं उनमें से कौन से सैचुरेटेड हैं और कौन से अनसैचुरेटेड हैं। ये 10th केमिस्ट्री में बच्चे डिटेल के साथ पढ़ चुके होते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड कैसे उनका, वो सारा रिलेशन है। तो ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा क्योंकि ये वीडियो लंबी हो जाएगी, छोटा सा टेस्ट है। तो हम लोग टेस्ट की तरफ आते हैं। इसमें जो एग्जामिनर हमें टेस्ट के लिए KMnO4 का कहता है, KMnO4 का सोल्यूशन वो कहता है, लेकिन वो साथ में एग्जामिनर ये कहता है कि वो KMnO4 का जो सोल्यूशन है वो एसिडिफाइड हो। एसिडिफाइड KMnO4 का सोल्यूशन कैसे बनेगा? हम लोग KMnO4 को पानी में डाल के डिसॉल्व कर लेंगे और उसमें एसिड H2SO4 ले लें या HCl ले लें, उनके चंद एक ड्रॉप्स बीच में डाल के सोल्यूशन तैयार कर लेंगे। ये मैंने ऑलरेडी तैयार करके रखा हुआ, वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए मैंने पहले ही तैयार करके रखा हुआ। KMnO4 के चंद एक क्रिस्टल्स डाले, पानी डाला और उसमें HCl डाल के इसको डिसॉल्व कर दिया, जो ये सोल्यूशन बन गया, ये KMnO4 का एसिडिफाइड सोल्यूशन। इसके साथ हमने चेक करना। अब एग्जामिनर ने बुक के अंदर मतलब वो पेपर के अंदर दे जो दो सब्सटेंस देगा उसमें सिनामिक एसिड और टार्टिक एसिड दो का नाम ले रहा है। तो ये दो टेस्ट ट्यूब्स हैं, एक में सिनामिक एसिड है और एक में टार्टिक एसिड है। ये सिनामिक एसिड है और ये टार्टिक एसिड है, दोनों के सॉल्यूशंस पड़े हुए हैं यहाँ पर। अब इनके अंदर हमने चेक करना है कि इनमें से कौन सा सैचुरेटेड है और कौन सा अनसैचुरेटेड है। हम लोग करेंगे क्या, KMnO4 को चंद एक ड्रॉप्स लेंगे और दोनों टेस्ट ट्यूब्स के अंदर KMnO4 को डाल के देखेंगे। KMnO4 का वॉयलेट कलर अपना कलर होता है, अगर तो KMnO4 का कलर डिस्चार्ज हो जाए किसी में तो इसका मतलब ये हुआ कि वो अनसैचुरेटेड है, जिसमें डिस्चार्ज नहीं होगा वो सैचुरेटेड होगा। चेक कर लेते हैं। जैसे मैं इस टेस्ट ट्यूब के अंदर KMnO4 का चंद एक ड्रॉप्स ऐड कर रहा हूं, तो KMnO4 का कलर डिस्चार्ज नहीं हुआ बल्कि इसके अंदर ही कलर, सारे सॉल्यूशन का कलर ही वही कन्वर्ट होना शुरू हो गया जो KMnO4 का अपना। इसका मतलब है कि इसके अंदर मैंने टार्टरिक एसिड डाला था और जो टार्टरिक एसिड है वो क्या हुआ, सैचुरेटेड। क्लियर होगी बात? तो हम लोग रिजल्ट में लिख देंगे कि जिस टेस्ट ट्यूब में हमने टार्टरिक एसिड को ऐड किया था वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से। अब दूसरी वाली टेस्ट ट्यूब के अंदर मैं KMnO4 के चंद एक ड्रॉप डालता हूं, KMnO4 का कलर डिस्चार्ज होगा यहां से, इसका मतलब है कि ये अनसैचुरेटेड हुआ। तो हम लोग इसमें रिजल्ट में क्या लिख देंगे कि जो ये इसमें सिनामिक एसिड था तो सिनामिक एसिड जो है वो क्या हुआ, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से हुआ। तो यही हम लोग इनके रिजल्ट में लिख देंगे। सिंपल सा प्रैक्टिकल था, उम्मीद है करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। इसी तरह हमने इसको आंसर शीट के ऊपर डाटा लिखना है, कॉलम बना लेंगे, दो कॉलम होंगे। एक के अंदर हम लोग लिख देंगे कि जो टार्टरिक एसिड है और उसका रिजल्ट, ऑब्जर्वेशन में हम लोग क्या लिखेंगे टार्टरिक एसिड की, यानी कॉलम फर्स्ट कॉलम में हमने लिखा टार्टरिक एसिड सब्सटेंस हमने लिया और उसकी ऑब्जर्वेशन में हमने क्या लिखा कि बॉयलेट कलर जो है इसका KMnO4 का वो डिस्चार्ज नहीं हुआ, तो इसलिए हम लोग इसका रिजल्ट फिर क्या आगे लिखेंगे, रिजल्ट में हम लोग लिख देंगे कि ये सैचुरेटेड है। और कॉलम के दूसरी रो में हम लोग क्या लिखेंगे कि हमने सिनामिक एसिड को लिया और इसमें हमने KMnO4 को ऐड किया, जब KMnO4 को हमने इसमें ऐड किया तो KMnO4 का कलर डिस्चार्ज हो गया, तो रिजल्ट में क्या लिखेंगे कि ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं।